अमिनी उठ, इसकी तो आंख ही नहीं खुलती। एक वो है जो हमेशा भगवान की सेवा में लगी रहती है और ये उठाने पर भी नहीं उठती। हाँ सोने दो, ये उठेगी तो घर में भौंचाल आ जाएगा। क्या मतलब? मतलब जानना चाहती हो माँ? ये उठेगी तो शंकर और पारो का प्रेम नाटक भंग हो जाएगा। ये बड़ी बात तेरे जुबान पर आई कैसे? माँ तुम हवेली में रहकर भी अंदर की बातें नहीं जान पाती और बाहर वाले अंदर आए बिना सब कुछ जान लेते। अच्छा तो तू किसी के बहकाने में आकर अपनी बहन पर लांछन लगा रहा है? पहले कानों ने सुना था माँ, आज आंखों ने देख लिया, इसलिए जवाब पे आ गया। प्रताप बंद कर अपनी जुबान। माँ तुम मेरी तो जुबान बंद कर सकती हो लेकिन दुनिया वालों की जबान बंद नहीं कर पाओगी। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा माँ, जितना जल्द हो सके शंकर को हवेली से बाहर किया जाए। ऐसा करने से भी तो खानदान के माथे पर लगा हुआ कलंक नहीं धुल सकेगा प्रताप। बेटी ये तो पागल है, इसके बाद क्या सुनती है? नहीं माँ, प्रताप को अपने खानदान की इज्जत का बहुत ख्याल है, लेकिन ये मुश्किल तुमसे आसान नहीं होगी प्रताप, मैं करूंगी। शंकर इस हवेली से जरूर जाएगा लेकिन अकेला नहीं, पारो को बहा कर उसे साथ ले। तेरा दिमाग तो नहीं चल गया? हाँ माँ चल गया है, तभी तो मैंने अपने जीवन का फैसला कर लिया है। मेरे साथ बहा करना होगा शंकर। इस पागलपन का भी कोई जवाब हो सकता है? ये पागलपन नहीं है, मेरे जीवन का सवाल है, तुम्हें जवाब देना ही होगा। अच्छा जवाब देना होगा, फिर जरा सोचने दो। शंकर ये मजाक करने का समय नहीं है, मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। ऐसा सवाल करने से पहले तुमने ये भी सोचा है कि मैं कौन हूं क्या हूं? मैं एक अनाथ हूं, आप लोग ही मेरा सहारा है, आप लोग ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया है, ऐसी बात मैं सोच भी नहीं सकता। मैं दुनिया वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा, पिताजी को क्या मुंह दिखाऊंगा? तो क्या आप तुम मुंह धारे लायक रह गए हो? क्यों मैंने क्या पाप किया? लोगों में तुम्हारे और मेरे चर्चे हो रहे हैं और उनका मुंह बंद करने का एक ही उपाय है, हमारी शादी। तो तुमने भविष्य का सोचा है? पूरा अंधकार है। किसने कहा? नादान ना बनो पारो, ये ख्याल दिमाग से निकाल दो। शंकर मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। तुम जवाब के लिए इसी तरह जिद करती रहोगी पारो तो मुझे इस घर को छोड़ के चला जाना पड़ेगा। मैंने माँ और भैया से यही कहा, शंकर इस घर से जाएगा लेकिन पारो के साथ। क्या? हाँ शंकर। और अगर मैंने ना कहा तो? तो पारो इस दुनिया से हमेशा के लिए चली जाएगी। पारो यही मेरा फैसला है। नहीं नहीं लक्ष्मी, ये कभी नहीं हो सकता। अपने ही टुकड़ों पर पड़े हुए भिखारी से पारो की शादी कर दो। उसका पति थी सावित्री के पति तेरे खानदानी होगा। स्वामी धीरज से काम लो। धीरज का सहारा लेके मैं खामोश नहीं बैठ सकता, बुरी नजर रखने वाले की आंखें फोड़ दूंगा। शंकर दलील कमीने, तेरी इतनी मजाल, दिल के लिए आशा दिया था कि मेरी इच्छाओं में बैठकर मेरी इज्जत लूटे। इज्जत लूटने वाला पुस्तिल होता है ठाकुर साहब, सामने नहीं आता। खामोश नमक राम, मैं तेरी जान लूं। गुनेगार मैं हूँ ये नहीं। हट जाओ मारो। नहीं पिताजी नहीं, तथा मुझे बोले मुझ पर चलाओ, शादी का फैसला मेरा है। हट जाओ मारो वरना मैं तेरी भी जिंदगी की परवाह नहीं करूँ। रुक जा रामू, मुझे शायद गुस्से की आग ठंडी हो जाए, यही तमाशा देखने के लिए मैंने इन बच्चों को जन्म दिया है। लक्ष्मी तुम भी मत बोलो। लक्ष्मी क्यों ना बोलूं, क्या मैं इन बच्चों की माँ नहीं? मैं भी इन्हें प्यार करता हूँ लक्ष्मी, लेकिन खानदान की इज्जत मुझे ज्यादा प्यारी। इसी विचार से सावित्री की जिंदगी बर्बाद हो गई, पति जुए और शराब में बह रहा है, बेटी का जीना मुश्किल हो गया है। पहले उस पर गोली मार कर उन्हें हासिल कर लीजिए, फिर दूसरी गोली पार्वती पर चलाइए, उसके बाद कामिनी को मार डालिए, खेल ही खत्म हो जाए। चलाइए गोली, चलाइए।
खाना खाने नहीं आए? अच्छा ले, मैं यही ले आई, ले खा ले। नहीं माँ, मैं नहीं खाऊंगी। अगर तू अपने आप को यूं ही परेशान किए रही तो मैं क्या करूंगी? मेरी चिंता छोड़ दो माँ। ये तो इसलिए कह रही है कि तू बेटी है, माँ नहीं। माँ, मैं तुम दोनों बाप बेटी के जिद से तंग आ गई हूँ। कैसे कैसे करके उन्हें कुछ राह पिलाई हूँ तो तू इधर खाने से रूठी बैठी है। मैं सच कह रही हूँ माँ, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। फिर भी थोड़ा सा खा ले, भूखे पेट नहीं सोना चाहिए। ले बेटा। सुना तुमने, अगर हम ठंडे दिल से सोचेंगे तो बात बन सकेगी। क्या? यही, पारो अपने जीवन का फैसला कर चुकी है, वो तुम्हारी ही बेटी है, जान दे देगी मगर बात नहीं टल सकेगी। तो फिर क्यों ना उसका ब्याह करके शंकर को घर दामाद बना ले। इससे क्या होगा, दुनिया तो यही कहेगी कि गधे पे हाथी का झूल चढ़ा दिया। उस वक्त दुनिया कुछ नहीं कहेगी, मगर पारो ने जिद में आकर कुछ कर लिया तो जरूर कुछ ना कुछ कहेगी। जिद में आकर पारो की जिद? नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। तू फिक्र मत करो, मुझे अकेला छोड़, सोच नहीं, सोच नहीं। बहुत अच्छी खाती ठाकुर साहब, क्या सोचे जो अपनी फूल जैसी बच्ची को एक भिखारी के पल्ले बांध दिया। अरे भाई, इसमें भी कोई राज है। भगवान, क्या ठाकुर साहब को अपनी बेटी इतनी भारी हो गई, उसे कुएं में ढकेल दिया? ऐसा मत कहो बहन। ये कैसी शादी, ना घर वाले ना बराती, अपने पने तो कुछ नहीं पड़ता। अरे यार, ये सब बड़े घर की बातें, इसे हर एक कोई नहीं समझ सकता। ये ले ठाकुर साहब, कोई सठिया तो नहीं गए जो चांद सी बेटी का जीवन बर्बाद कर दिया? मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आता है। छोड़ो भी, इससे हमें क्या लेना देना। धनवान के घर में पलकर जवान हुई, और जब जिंदगी का मजा लेने का समय आया तो गरीबी से बदल गई। भगवान के किसी अमीर को गरीब मिल गया। आप सही कहते हैं, ये हुई ना कोई बात। माँ ये लो और मुझे विदा कर दो। क्या विदा? शादी तो तेरी मर्जी से हो गई है, फिर घर छोड़ने पर क्यों तुली हुई है? इसलिए कि मुझे अपना घर बसाना है माँ। तेरे पति का कोई घर होता तो मुझे चिंता न होती, आखिर जाएगी कहाँ? मेहमान को विदा करते समय ये नहीं पूछा जाता कि वो कहाँ जाएगा, कहाँ रहेगा। अच्छा, तू अपने आप को मेहमान समझती है? नहीं क्या, बल्कि हर लड़की अपने माँ बाप के घर में उस वक्त तक मेहमान होती है जब तक उसका विवाह न हो जाए। माँ, बेटी चुप चुप जियो, फूलो फूलो। दीदी पारो, तुम इतनी समझदार होकर तुमने ये जो नादानी की है अच्छा नहीं किया। मैं अपना अच्छा बुरा खूब समझती हूँ। दीदी, मुझे सिर्फ तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए। खुश रहो। बिटिया को विदाई न दोगे? हर बेटे के बाप को सब्र करना ही पड़ता है माँ। तुम ठीक कहते हो रामू, लेकिन दुख तो इस बात का है कि इतना सब कुछ होते हुए भी मैं लुट सा गया हूं।
नादान बेटी के जिद के आगे छुप गया हूं। एक अनाथ जो इस घर में विद्यादान लेने आया था, कन्यादान लेके जा रहा है। जा तो रहे हो लेकिन इज्जत से जिंदगी बसर करने के लिए तुम्हें रुपयों की जरूरत होगी। ले लो 10,000 रुपए। ले लो बेटा। गरीब का भी अपना मान होता है पिताजी, उसको रखने के लिए मुझे दौलत नहीं, आपका आशीर्वाद चाहिए। आशीर्वाद लेकर खाली हाथ जाओगे कहां? सर छुपाने को जगह भी है? भगवान की दुनिया बहुत बड़ी है पिताजी, आपका आशीर्वाद मिल गया सब ठीक हो जाएगा। भगवान तुम्हारा हौसला बनाए रखे, जहां भी जाओ खुश रहो। इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए सदा खुले रहेंगे।